कराची के शहरों लाए खुशखबरी 13 अप्रैल का कराची में रूट्स से इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करण जो ऐलान इतलात ए ट्रांसपोर्ट वाले वजीर शर्जील इनाम मेमण जो चवण है 13 अप्रैल का मलीर का इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू कर रहा हूँ। बस सर्विस अल आसिफ मार्केट का टैंक चौक से हलई वेंदी। 14 अप्रैल से बैरिया टाउन का टैंक चौक का नुमाइश ताई बस हलई वेंदी। रमजान के भलारे महीने में आवाम के अटे की मद में रिलीफ दई रहा हूँ। सस्ते अटे की मद में 5,87,27,10,000 रुपया दई चुका हूँ। प्रोफेसर अजमल सावन के कातलन के भी रियायत न मिली। वाकई में मुलवस किरदार केतरा भी बासण छो न होजन हर सूरत में खेन गिरफ्तार कयो वेंदो। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ वफाकी काबीना जो इजलास जारी। चूंडन बाबत सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाबत हिकमत अमली से गौर विचार। अदालती सुधारण जो बिल पार्लियामेंट के गडियल इजलास में मंजूर कराने बाबत पिण विचार पो वे। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की मंजूरी भी दिनी वी। सदर आरिफ अली जो बयान शर्म जोगो है। इमरान खान मुल्क के आवाम के परेशान कर रो है। 2018 का वी खास एम्पायर इमरान खान की मदद कंदा पे अचन। एक खास बेंच इमरान खान के बचाइंदी पी अचे। जडे भी का साजिश कंदो आहे तो वो अकेलो ना ही हुंदो। इमरान खान के इश्क में अंधा के सहूलतू दे रहा है। सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर में रही अहदे जो तकद्दस सामाल कर रो है। खेस इस्तीफा दे इमरान खान से गड वेहण घुर्जे। पीपुल्स पार्टी चूंडन का न भजी रही है। इतलाफ वाले सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमण की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गद्दारी ए दहशतगर्दी के केस में गिरफ्तार पीटीआई अगवान अली अमीन गंडापुर एक दिन के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले। अली अमीन गंडापुर के जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीन खान की अदालत में पेश किया वो। अली अमीन गंडापुर के सुभाने दहशतगर्दी की टोड़ अदालत में पेश करण जो हुकुम। पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस से झेड़े में इंतहाई कदम नहीं चाहे। असा बस एतरो चाहूँ था चीफ जस्टिस इलेक्शन वाले मामले ते फुल कोर्ट जोड़े। पीपी अगवान कमर जमान कायरा जो बयान संदस चवण है ते जजन खिलाफ रेफरेंस दाखिल करण लाए हुकूमत पीपी से सरकारी सतह से का गाल नहीं कई। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट तोशाखाना केस में इमरान खान के 11 अप्रैल अंगारे से इजाफी हैसियत में तलब करे वरतो। अदालती नोटिस में जाना वो है तो जैसे इमरान खान अदालत में पेश न थो तो नखिलाफ कानूनी कार्रवाई कई वी। कंदकोट में कत्ल थियल प्रोफेसर अजमल सावन के कातलन की गिरफ्तारी आई खून से इंसाफ लाइसन तरक्की पसंद पार्टी के सदते सज सिंध में एहतजाज। कराची हैदराबाद सखर लाड़काने मीरपुर खास शहीद बेनजीराबाद मीरपुर माथिलो जैकबाबाद शादाब कोट चंडोलायार कोटड़ी बारवे खोसकी ए बन शहर में एहतजाजी रैलियों कदी धरना हया व्या। कातलन के गिरफ्तार कर प्रोफेसर अजमल के खून से इंसाफ करण की अपील। सागर जिले के पेरूमल थाने की हद गोठ बादल शहर वासी टे बारड़ा रांद खेल दौरान मिठड़ाव कैनाल में गिरी पाया। गोठान पहुंची एक नींगरी एक नींगर के बचाए बरतो एक बारड़ी हथ न अची सकी। वासन पारा कैनाल में बुरी वेल बारड़ी रुखसाना शहर की गोला जारी। इंतजामिया के बारड़ी की गोला में मदद की अपील। साचरो भरसा खेखड़ो कल्टी थियण के नतीजे में नींगर फौत 15 जणा जख्मी। फौती जो लाश ए जख्मियों के अस्पताल मुंतकिल किया वो। सरहद वेझो कौमी शाहरा से कार वाह में किरी पई एक जणो फौत थी वो। फौती की सुणप मीरपुर माथेलो वासी साहब खान छजण तौर थी। शिकारपुर शहर में हथियारबंदन हथा नौजवान जाहिद मीरानी के कत्ल वो मामलो शक की बुनियाद से 4 जवाबदार गिरफ्तार। पुलिस शिकारपुर गढ़ी यासीन में कार्रवाई करे शक की बुनियाद से पुलिस एहलकार
अफजल जमाली, अकरम जमाली ए बेने के गिरफ्तार कर। नारा तालके के शहर चूनको की इस्माइल शाह कॉलोनी में नौजवान जो लाश हथ फौती की सुनाप कोट लेजी के गोठ शाहटन रवासी इम्तियाज खास खैली तौर थी साले पट वेझो थाने की हद शहबाज दिनों खोरखाड़ी में दुकान में सड़ल लाश हथ लाश की सुनाप शाहनवाज मीरानी तौर थी नौजवान जो लाश बास खणाए वह वाक्य जो कारण मालूम न थी सके। बिरया सिटी के वार्ड नंबर व में बिजली के पोल से करंट लगन सबब नौजवान फौत थी वयो। केबल ऑपरेटर मोहम्मद अली सोलंगी पोल से केबल की तार हरण दौरान करंट लगन सबब किरी पयो। फैजगंज वेझो गुजरल हादसे में जख्मी थे बारड़ी इकरार दम दे छो। महरान हाईवे से वैन और कार में टक्कर थियण सबब एक ही घर जा नव भाती जख्मी थे हुआ। मीरपुर बुरुड़ भरसा गोठ चोड़ियों बुरुड़ में गिदरन के बाग से सुतर शख्स हथियार बंद हथा अगवा हथियार बंद पंजाब वरियन के गुलाम अली अबड़ो के अगवा कर। घोटकी वेझो गोठ नूर मोहम्मद लगारी वासी नींगर इश्फाक अहमद भयो गुजरियल ढीं का गुम वारसन पारा अगवा जो शख्स जाहिर आदिलपुर थाने से एनसी दाखिल।